तो यस फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। दिस इज नितेश भारद्वाज। आप सभी का मेरे चैनल फर्स्ट अप्रोच में स्वागत है। और कैसे हो आप सब? जितना भी आपको काम दिया गया था, क्या आपने वो किया? असाइनमेंट को पढ़ा? तो आप प्लीज मुझे बता दीजिए वन बाय वन, जो जो भी अभी क्लास में जुड़ा है। कि आपको आवाज पहुंच रही है तो प्लीज मुझे एक बार कंफर्म कर दें, फिर हम अपनी इस क्लास को जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जितना भी आपको काम दिया गया था, जैसे कि आपको एक असाइनमेंट दी गई थी फोर्थ चैप्टर की, होप सभी क्वेश्चन आपने जो है अच्छे से पढ़े होंगे। और जो भी हमारा टॉपिक चला था स्ट्रेट लाइन, उसको जो है अच्छे से आपने रिवाइज किया होगा। बिकॉज आज जो है हम स्ट्रेट लाइन के PYQ जो नहीं, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको जो है आज हम सॉल्व करेंगे। तो इतना आपको बता दूं, जब हम स्ट्रेट लाइन को आज शुरू करेंगे तो पीछे का जो है आपको हर एक क्वेश्चन जो है, हर एक फॉर्मूला जो है आपके माइंड में होना चाहिए। तो आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं एक क्विक रिव्यू दे दूंगा आपको कि पहले जो है हमने लास्ट तीन क्लासेस में क्या क्या किया था, कौन कौन फॉर्मूले किए थे, ताकि आपको जो है रिकॉल हो जाए हर एक चीज, और इसी एक वीडियो में एक साथ सारे जो है फॉर्मूले आपको मिल जाए। ठीक है, तो आपने सिर्फ बस एक काम करना है, लिखने की नीड नहीं है, आपने सिर्फ सुनना है, अपने दोनों कानों को खुले रखना है और माइंड को रखना है एक्टिव। देखना है आपने कि कहीं पर कोई फॉर्मूला आप भूले तो नहीं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले जो है स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले भी बताया गया है आपको, स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले जो हमने किया था वो किया था हमने डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या किया था हमने? डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला याद कीजिए, रिकॉल कीजिए अपने माइंड में। आज की इस क्लास के साथ ये पूरा टॉपिक आपको जो है टिप्स पे होना चाहिए। जल्दी से बोलें क्या होगा। देखिए, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सबसे पहला फॉर्मूला, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। कहीं पर भी किसी भी रूम में पूछा जा सकता है। एक चीज आपको बता दूं, जो कल जो एग्जाम था TGT का, उसमें जो है डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। जी हाँ, इस फॉर्मूला के ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप देख लीजिए, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, किसी भी TGT एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद सेकंड नंबर पे, देखिए ये पढ़ा था हमने फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे पढ़ा था हमने इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन। हिंट दे देता हूं, इंटरनल डिवीजन में क्या होगा? प्लस रहता है बीच में, और एक्सटर्नल डिवीजन में माइनस होगा बीच में। होप आपको वो फॉर्मूला याद आ गया होगा। थोड़ी सी और हिंट दे देता हूं, ये कोई पॉइंट है ए, दिस इज बी, हियर दिस इज पी, इस तरीके से हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। याद कीजिए, अगर ये m:n रेशो में काटता है, होप आपको रिकॉल हो गया होगा किस फॉर्मूला की मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद तीसरे नंबर पर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ डिटर्मिनेंट x1 y1 x2 y2 x3 y3, और अपनी मर्जी से क्या ऐड करते हैं हम, 1 1 एंड 1। ये पढ़ा था हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इससे क्या क्या चीजें निकलती हैं। एक तो एरिया निकल गया, दूसरा अगर 3 पॉइंट आपको दिए गए होंगे लीनियर चेक करने के लिए, तो सिंपल आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर वो 0 आ गया तो मतलब 3 पॉइंट क्या है, लीनियर है हमारे पास। ये पढ़ा, इसके बाद जो है फोर्थ नंबर पे हमने पढ़ा था सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, जिसमें 3 पॉइंट होंगे। हिंट दे देता हूं, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3, दिस इज अवर सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, बार बार कह रहा हूं,
आज जो है स्टेट लाइन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और साथ में कुछ और क्वेश्चन भी करवाऊंगा, लेकिन आज ही ये सारी चीजें याद हो जानी चाहिए। पीछे से नहीं देखना है जो भी कॉपी में लिखा है, यहां पर देखिए और देखिए क्या क्या हमने पढ़ा है, क्या क्या छूट रहा है। इसके बाद देखिए जो इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हमने पढ़ा था स्लोप, स्लोप के ऊपर फिर हम अप्रोच कर गए थे। स्लोप देखिए एम से डिनोट करते हैं, अगर एंगल हो टेंजेंट ऑफ थीटा, दिस इज अवर स्लोप फार्मूला। दूसरा बताता हूं, अगर इक्वेशन दी गई हो तो स्लोप क्या होता है, माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशेंट ऑफ वाई, दिस इज अवर स्लोप। तीसरा फॉर्मूला स्लोप का, अगर पॉइंट हो हमारे पास क्या होगा, वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। ये तीन फॉर्मूले हमने पढ़े थे किसके, स्लोप के, डिनोटेड बाय एम। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 8, अगर दो लाइन की स्लोप दी गई हो आपके पास और वो बोथ लाइन हो आपस में पैरेलल, तो क्या होगा स्लोप में, पैरेलल का साइन लगाता हूं, देखिए ये साइन होता है पैरेलल का, इसका मतलब होगा कि एम वन जो होगी एम टू के बराबर होगी, होगी कि नहीं। इसके बाद नाइन्थ पॉइंट देखिए, अगर लाइन जो है इक्वेशन ऑफ लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो एम वन डॉट एम टू होगी किसके बराबर, माइनस वन के बराबर। ये डायरेक्ट भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और इसके ऊपर जो है क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। ये था स्लोप का फार्मूला। इसके बाद हमने पढ़ा था पॉइंट नंबर 10, इक्वेशन निकालना, इक्वेशन कैसे निकलती है। सबसे पहले पढ़ी थी हमने वन पॉइंट फॉर्म क्या थी, देखिए y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसके बाद हमने पढ़ी थी टू पॉइंट फॉर्म, याद कीजिए सब अपने आप, क्या था y2 टू माइनस वाई वन डिवाइड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एम। यहां से आप जो है इसे बना सकते हो, माफ कीजिएगा, y माइनस वाई वन डिवाइड बाय एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एम, जो शॉर्टकट बताया था, जहां पर m होता है y2 टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इक्वेशन निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये था इक्वेशन तक। अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट चीज बनती है, दैट इज जो हमने पढ़ा था पॉइंट नंबर 12, एंगल निकालना। अगर स्लोप गिवन होती है आपको क्या होगा, टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ एम वन माइनस एम टू डिवाइड बाय वन प्लस एम वन एम टू। यहां पर जब भी मॉड हटेगा प्लस माइनस लगेगा, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब भी मॉड हटेगा प्लस माइनस लगेगा, दो वैल्यूज आएंगी, या तो दोनों आंसर हो सकती है या एक को आपको निगलेक्ट करना पड़ेगा। ये आपको एग्जाम में उसके जो ऑप्शन देख के पता लग जाएगा कि कौन सा सिलेक्ट करना है। ये हो गया एंगल, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, जैसे कि 13, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन मोड ऑफ सी वन माइनस सी टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है। एक चीज और देखिए, और हमने पढ़ा था y इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये तो हो गया c, वेयर c इज y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट होगा y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी, इंटरसेप्ट फॉर्म है। और एक हमने पढ़ी थी इंटरसेप्ट फॉर्म x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू वन, x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू वन। तो ये देखिए, ये अभी तक हमने जो है स्ट्रेट लाइन में सारा काम किया है। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आपने एक कॉपी में लिखना है, इस तरीके से लिखना है, देखिए जैसा मैंने पूरा लिखा ऐसे लिखने से फायदा क्या होगा, एकदम से पूरा चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा कौन कौन सी चीजें आपने पढ़ी है और कौन कौन सी चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा हल्के एक दो फॉर्मूला आपको बताए थे,
होप वो आपने लिखे हो। जो मैं यहां पर कुछ एक चीजें छोड़ रहा हूं वो भी आपको नहीं छोड़नी है। फिलहाल मेरे माइंड में यही चीजें आ रही हैं, यही अभी तक जो है हमने पढ़ा है। इसमें एक चीज ऐड की है, जो डिस्टेंस पढ़ा था हमने, डिस्टेंस एक था, पॉइंट से भी डिस्टेंस, सिंपल पॉइंट से डिस्टेंस निकालना। तो होप ये सारी चीजें आपको रिकॉल हो गई होगी और याद जो है अब याद हो गई होगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज मुझे बता दे, फिर हम जो है क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे।